तो आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चे कि हम टपल के साथ कौन कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इनकी अप्लीकेबिलिटी पाइथन में क्या है। तो अगर अपन टपल के मेथड्स की बात करें तो सिंपल सी बात है कि टपल के जो भी मेथड्स हैं वो सिमिलर हैं लिस्ट के जैसे ही, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस एक ही है, जो लिस्ट है आपका कैसा है, म्यूटेबल है, और आपका टपल कैसा है, इम्यूटेबल है, ठीक है। तो टप्पल अगर इम्यूटेबल है तो वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट ऑफ अ टप्पल, तो हम टप्पल के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं वंस इट इज असाइंड। जैसे ही आपने वैल्यू असाइन कर दिया आप टप्पल के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो लिस्ट और टप्पल में हमारे पास मेथड सेम ही है, लेकिन केवल वही मेथड अलाउड होंगे। ये ध्यान रखना, मेथड सारे आप देख लो, जितने भी मेथड लिस्ट में आपने देखे सारे के सारे मेथड आपके टप्पल में यूज आएंगे, अगर वो टपल के एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहे होंगे तो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो जो लिस्ट होता है म्यूटेबल है और जो टपल होता है इम्यूटेबल होता है। इट मींस आप टपल के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते वैल्यू असाइन होने के बाद, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो भी मेथड या तो वैल्यू ऐड करते हो या रिमूव करते हो वो टपल के साथ एसोसिएट नहीं होंगे या टपल के साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। तो दो ही मेथड बचते हैं फिर जो आपके वैल्यू को ना तो ऐड करते हैं ना ही रिमूव करते हैं। एक आपका मेथड है इंडेक्स और दूसरा मेथड है आपका काउंट, ठीक है। बाकी जितने भी मेथड थे जो आपने लिस्ट में बात की वो सारे के सारे सिक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ठीक है, जब भी हम उसको कॉल करते हैं। इसीलिए बाकी मेथड्स को हम यूज टपल के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो द मेथड दैट एड आइटम्स और रिमूव आइटम्स आर नॉट अवेलेबल विद टपल, ओनली द फॉलोइंग टू मेथड्स आर अवेलेबल, दैट इज इंडेक्स एंड काउंट। ऑल ऑफ द अदर मेथड चेंज द सिक्वेंस ऑब्जेक्ट ऑन विच दे हैव बीन कॉल्ड, दैट्स वाई इट कांट बी यूज्ड विद टपल। अब हम बात करते हैं इंडेक्स मेथड की, ठीक है। तो अगर अपन इंडेक्स मेथड की बात करें तो इंडेक्स मेथड का काम क्या होता है, जो भी आप एलिमेंट बताते हो, ठीक है, जो भी एलिमेंट आप बताते हो टपल के अंदर का उसकी पोजीशन को रिटर्न करता है। जैसे अगर मान लो आपने बोला थ्री, तो थ्री टपल के अंदर कौन सी पोजीशन पे है उसको रिटर्न कर देगा। और आपको पता ही है कि बस आपका डिफरेंस कहाँ है, लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हो वैल्यूज को, और टपल को आप कैसे करते हो, सिंपल पैरेंथेसिस के थ्रू करते हो या सिंपल ब्रैकेट के अंदर करते हो, ठीक है। इंडेक्सिंग तो सेम है, पहला वाला आपका जीरो पोजीशन पे होता है, फिर दूसरा वन पे होता है, फिर तीसरा टू पे होता है, फिर थ्री पे होता है, देन फोर पे होता है, कुछ ऐसा ही एसोसिएशन आपका होता है, जीरो इंडेक्स देन फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ, ठीक है। इट मींस बात हमें समझ में आ गई कि सिंपल अगर आपको एलिमेंट को सर्च करके बताना है कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, तो आप इंडेक्स मेथड यूज करते हो, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास जो एलिमेंट है जिसको आप सर्च कर रहे हो वो दो बार है या तीन बार है, तो जो इंडेक्स मेथड होगा वो पहले वाले एलिमेंट जो पहला ऑकरेंस होगा, फर्स्ट ऑकरेंस जो मिलेगा उसकी पोजीशन को बताएगा। इट मींस अगर मान लो हमारा टपल कुछ ऐसा है, वन टू टू फिर थ्री फिर टू, कुछ ऐसा टपल पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने बोला टू का पोजीशन बताओ या टू का इंडेक्स बताओ, तो पहले वाले टू का इंडेक्स बताएगा, मतलब फर्स्ट ऑकरेंस का, ठीक है। और आपको पता ही है इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, जीरो पोजीशन से लेकर एन माइनस वन तक। तो इट मींस इट सर्चेस फॉर द गिवन एलिमेंट इन अ टपल एंड रिटर्न इट्स पोजीशन, इट रिटर्न्स फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द टपल। बाद वाले ऑकरेंसेस को निकालना है उसके तरीके अलग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप इंडेक्स मेथड यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पहला ऑकरेंस होगा उसकी पोजीशन को बताता है टपल, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला कि मुझे सेवन सर्च करना है, लेकिन आप देखो इस टपल में सेवन तो है ही नहीं, अगर ऐसा होता है कि एलिमेंट नहीं फाउंड होता है तो इट रेजेस अ वैल्यू एरर एक्सेप्शन। तो अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन जनरेट होगा। अगर अपन सिंटेक्स की बात करें तो बेटा सिंटेक्स जो है हमारा सिंपल, आप क्या करते हो, जो भी आप टपल ले रहे हो उस टपल डॉट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स मेथड लोगे, इंडेक्स में आपके पास एलिमेंट होगा, स्टार्ट पोजीशन होगा और एंड पोजीशन होगा,
ठीक है, एलिमेंट मतलब जो वैल्यू आप दे रहे हो, और स्टार्ट मतलब आप कहां से उसको सर्च करना चाहते हो और कहां तक सर्च करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, अब द टपल इंडेक्स मेथड कैन टेक अ मैक्सिमम थ्री आर्गुमेंट्स, मैक्सिमम तीन आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट, स्टार्ट और एंड। इसमें से स्टार्ट और एंड वाली जो वैल्यूज हैं वो ऑप्शनल है, अगर आप देते हो तो ठीक, नहीं देते हो तो भी ठीक, ठीक है। एलिमेंट आपको बताना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट को सर्च करना है। स्टार्ट आपका ऑप्शनल है, अगर आपने स्टार्ट पोजीशन दे दिया तो उस पोजीशन के बाद से ही वो स्टार्टिंग करेगा, मतलब उस पोजीशन से ही वो सर्च करना चालू करेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि टू है, थ्री है, फोर है, मैंने बोला वन से देखना, चेक करना है आपको, तो जीरो, वन और टू, अब उसके बाद आपके पास और वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अगर आपने बोला स्टार्टिंग पोजीशन कहां से चालू करना है, स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स, इट मींस अगर आपने स्टार्ट बोल दिया वन से, तो जो सर्चिंग चालू होगी आपकी वन से चालू होगी, ये ध्यान रखना। एंड कब तक, जब तक आपका एंड, अगर एंड भी दिया हुआ है तो एंड का मतलब ये हुआ कि आपने अगर एंड वैल्यू बोल दी तो उससे पहले तक ही वो चेक करेगा, उसके बाद की वैल्यूज में उसको चेक नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, एलिमेंट, एलिमेंट जिसको सर्च करना है, स्टार्ट जहां से सर्च करना है, एंड जिसके पहले तक सर्च करना है, ध्यान रखना, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या होगा, जो भी टपल का इंडेक्स होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न क्या होता है, इंडेक्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, जो भी आपने एलिमेंट दिया हुआ है उसका इंडेक्स रिटर्न करके देता है। और अगर एलिमेंट फाउंड नहीं होता है तो आपको मैंने बताया वैल्यू एरर एक्सेप्शन जनरेट करता है, ठीक है। और दूसरा और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका ये है कि इंडेक्स मेथड ओनली रिटर्न्स द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द मैचिंग एलिमेंट, अगर एलिमेंट मैच करता है तो उसका पहला ऑकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करेगा, उसके बाद अगर वो रिपीट हो रहा है तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, पहला जैसे ही हिट करेगा उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। जैसे अगर अपन बात करें, मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है वॉवेल्स, और वॉवेल्स में मैंने लिया ए, ई, आई, ओ, आई, यू, कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये हमारा वॉवेल्स क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, या कहना चाहिए टपल वेरिएबल हो गया। इसके अंदर हमने टपल एक रखा हुआ है, देखो, ठीक है। जीरो पोजीशन पे ए पड़ा हुआ है, ई वन पे पड़ा हुआ है, आई टू पे पड़ा हुआ है, ओ आपका थ्री पे पड़ा हुआ है, आई आपका फोर पे पड़ा हुआ है, और यू फिर से आपका फाइव पे पड़ा हुआ है। तो यहां देखो, आई के दो ऑकरेंसेस हैं, एक आपका आई का ऑकरेंस टू पे है और एक ऑकरेंस फोर पे है। चलिए, अब मैंने बोला द इंडेक्स ऑफ ई, और इंडेक्स, मैंने इंडेक्स एक वेरिएबल लिया और मैंने क्या किया, टपल डॉट, टपल मतलब वॉवेल्स जो वेरिएबल नाम है, तो वॉवेल्स डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स मुझे किसका चाहिए, ई का चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ये जीरो और वन पे है, तो अगर प्रिंट हम करेंगे द इंडेक्स ऑफ, लिया इंडेक्स को, तो आउटपुट आएगा आपका वन, इंडेक्स आपका दे दिया इसने, तो वन आउटपुट आपका आ गया। अब उसके बाद आपने बोला एलिमेंट आई इज सर्च्ड, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आई इज रिटर्न्ड। अब मैंने बोला वॉवेल्स डॉट इंडेक्स आई, अब आप देखो आई जो पहला ऑकरेंस है वो सेकंड पोजीशन पे है, बच्चे सेकंड पोजीशन पे पहला ऑकरेंस है, उसके बाद फोर्थ पे है, उसको कोई मतलब नहीं है, जैसे ही पहला हिट होगा फर्स्ट ऑकरेंस उसका इंडेक्स दे देगा। तो देखो द इंडेक्स ऑफ आई इज टू, तो इंडेक्स इतना आ गया, टू आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, हमारे पास दूसरा एक टपल लिया हमने, ए इक्वल टू वन टू थ्री फाइव सेवन, वन जो है वो जीरो पोजीशन पे है, टू जो है आपका वन पे है, थ्री जो है आपका टू पे है, फाइव जो है आपका थ्री पे है, और सेवन जो है आपका फोर पे है, ठीक है। अब हमने बोला पोजीशन इक्वल टू ए डॉट इंडेक्स फाइव, पोजीशन इक्वल टू ए डॉट इंडेक्स फाइव, अब मुझे फाइव का इंडेक्स चाहिए, तो देखो फाइव कितने पे है, थ्री पे है, तो सिंपल सी बात है पोजीशन ऑफ फाइव इज पोजीशन, क्योंकि हमने जो फाइव आया उसको हमने पोजीशन वेरिएबल में स्टोर करा लिया, तो जब हमारा पोजीशन ऑफ फाइव इज एज इट इज प्रिंट होगा और पोजीशन ऑफ वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, ठीक है। अब यहां देखो मैंने फाइव डबल बार रिपीट कर दिया तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो पोजीशन पे है, ये आपका वन पे है, ये आपका टू पे है, ये आपका थ्री पे है, ये आपका फोर पे है, और ये आपका फाइव पे है। अब देखते हैं बच्चे, हमने बोला पोजीशन इक्वल टू ए डॉट इंडेक्स फाइव, जब ए डॉट इंडेक्स फाइव तो पहला हिट यहां मिलेगा, ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इंडेक्स क्या पड़ा हुआ है, टू, ए पोजीशन में आ जाएगा, पीओएस में आ जाएगा, तो जब आप पोजीशन ऑफ फाइव इज सॉरी जीरो वन टू थ्री, सॉरी पहला ऑकरेंस थ्री पे है, पहला ऑकरेंस थ्री पे है, तो थ्री देखो आपका पीओएस में स्टोर हो जाएगा, और पोजिशन ऑफ फाइव इज पीओएस, तो पोजिशन ऑफ फाइव इज थ्री,
तो सेकेंड ऑकरेंस थर्ड ऑकरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला जैसे ही वैल्यू हिट होगा उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाता है। अब देखते बच्चे, हमने बोला वैल्यू इक्वल टू ए बी आर ए के ए डी एच ए। वैल हमारा एक टपल है, जब मैं बोलूंगा प्रिंट वैल तो पूरा का पूरा टपल प्रिंट हो जाएगा ए बी आर ए के ए डी एच ए, ठीक है। अब मैंने बोला इंडेक्स इक्वल टू वैल डॉट इंडेक्स के, ठीक है, इंडेक्स यहां पास एक वेरिएबल है और फिर हम इंडेक्स मेथड को भी यूज कर रहे हैं, मुझे इंडेक्स किसका चाहिए, के का चाहिए, ठीक है। तो बट ऑब्वियस 0 1 2 3 4, तो पहला 4 आ गया। अब अगर आप देखो एक्चुअली में यहां मैंने यहां ए लिखना था, यहां के जस्ट ऊपर वाला ही रिपीट है, तो ध्यान रखना यहां ए मैंने को लिखना है। अब मैंने बोला इंडेक्स इक्वल टू वैल डॉट इंडेक्स ए, अब मुझे ए सर्च करना है, ठीक है, वैल डॉट इंडेक्स ए। जब मैं ए बोलूंगा, मैंने यहां बोला इंडेक्स ऑफ ए इज, ठीक है, और इंडेक्स, तो देखो ए पहला ऑकरेंस आपका 0th पोजीशन पे है, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इसी प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, देखो आप सिंपल, आपने जो वैल लिया हुआ है टपल उसमें आपके पास वैल्यू सेम है जैसा ऊपर वाले एग्जाम्पल में है। अब आपने बोला प्रिंट वैल, ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। जब आपने बोला वैल डॉट इंडेक्स जी, इंडेक्स ओ, वैल डॉट इंडेक्स ओ, अब देखो ओ कहीं मिल रहा है क्या, अब आपको ओ कहीं दिख ही रहा है, ओ मिला नहीं, इसलिए आपका देखो जो एरर आ रहा है टपल डॉट इंडेक्स एक्स, एक्स नॉट इन टपल, ठीक है, तो एरर आ जाएगा अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो। कौन सा एरर आता है, वैल्यू एरर, तो देखो मैंने आपको बताया था वैल्यू एरर आता है, तो वैल्यू एरर आ गया अगर जो वैल्यू आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो वो आपके टपल में नहीं है, तो वैल्यू एरर आता है। देन आगे बात करते हैं बच्चे, अब हमारे पास ए में पड़ा हुआ है 10 20 30 40 50, ठीक है। अब मैंने बोला पी इक्वल टू ए डॉट इंडेक्स 20, मैंने क्या बोला पी इक्वल टू ए डॉट इंडेक्स 20, ठीक है। अब पी इक्वल टू ए डॉट इंडेक्स मैंने 20 बोला, ठीक है, तो जब ए डॉट इंडेक्स 20 बोला तो सिंपल सी बात है 20 occurs at P position. तो देखो 20 कौन से पोजिशन पे, 0, ये आपका फर्स्ट, तो आपका 20 occurs at first position आ गया। फिर मैंने बोला P equal to A dot index 10, अब 10 तो आपका 0th position पे है, तो 10 occurs at P, P मतलब 0, तो 10th occurs at 0th position. अब अगर मैं इसी में 60 को सर्च करने की कोशिश करूंगा तो बट ऑब्वियस वैल्यू एरर आएगा, बिकॉज ए वैल्यू आपके टपल में प्रेजेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, अब मैंने एक अल्फाबेट्स नाम का टपल वेरिएबल लिया, इसमें मैंने लिया ए ई आई ओ जी एल आई यू। अब मैंने बोला अल्फाबेट्स डॉट इंडेक्स ई, तो इंडेक्स में ई का इंडेक्स चला जाएगा, तो ई का इंडेक्स यहां देखो 1 पे है, तो आउटपुट आ गया 1। अब आपने बोला इंडेक्स इक्वल टू अल्फाबेट डॉट इंडेक्स आई कॉमा 4। अब मैंने आपको बताया था इंडेक्स का जो पहला वैल्यू होता है वो एलिमेंट बताता है और दूसरा बताता है स्टार्ट पोजीशन, दूसरा स्टार्ट पोजीशन बताता है। देखो तो अगर मैं बार बार अगर आई को बोलता पहली बार, अगर मैं केवल आई अगर सर्च करता ये 4 नहीं लेता, सपोज दैट अगर मैं 4 नहीं लेता तो आई कहां मिल जाता, 0 1 और 2 पे मिल जाता, तो आउटपुट आता 2। लेकिन मैंने बोला 4 से मुझे सर्च करना है, स्टार्ट पोजीशन दे दिया मैंने, 4 से सर्च करना है, तो अब 4 से सर्च करना है तो देखो पहली बात तो आई को सर्च हो कहां से चालू करेगा, 0 1 2 3 4 यहां से सर्च करना चालू करेगा। जब यहां से सर्च करना चालू करेगा तो 5th और 6th पोजीशन पे आपको मिल गया, देखो आई कहां मिल गया 6th पोजीशन पे, तो देखो आई 6th पे मिला। तो अगर आपको लगता है कि मुझे स्टार्टिंग पोजीशन चेंज करनी है, अगर आपने स्टार्ट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्ट ही है, मतलब 0th पोजीशन से स्टार्ट है, ठीक है, और एंड मतलब एंड ऑफ द टपल या एंड ऑफ द लिस्ट की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने दोनों नहीं दिया तो स्टार्ट से स्टार्ट करता है और पूरे एंड तक सर्च करता है जब तक पहला ऑकरेंस ना मिल जाए, लेकिन अगर आपने स्टार्ट दे दिया तो वहां से आगे सर्च करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने फिर से बोला अल्फाबेट्स ए ई आई ओ जी एल आई यू, अब अल्फाबेट्स नाम का मैंने टपल ले लिया। अब इंडेक्स में मैंने क्या बोला अल्फाबेट्स डॉट इंडेक्स आई, आई को मुझे सर्च करना है लेकिन 3.7 से सर्च करना है, अच्छी बात है, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो
ठीक है, तो आपको कहां से कहां तक सर्च करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, केवल इतना ही करना है, मतलब थर्ड पोजीशन से आपको चालू करना है, ठीक है, थर्ड से आपको चालू करना है। थर्ड से चालू करने के बाद अब आपको देखना है, तो देखो और कहां तक देखना है, 7 से पहले तक, 7th मतलब 6th तक, 7 से पहले तक, एंड जो भी होगा ना, एंड से पहले तक देखना है, ध्यान रखना। तो देखो ये 6th पोजीशन में मिल गया तो 6 आ गया। अब इसी प्रोग्राम को मैंने चेंज किया और मैंने बोला i3, 6, तो फिर से चलते हैं, ए है 0, ए है 1, ए है 2, ए है 3, तो 3 से तो देखना है, ठीक है, ए है आपका 4, ए है आपका 5, और आपने बोला है 6 तक, 6 तक मतलब केवल 5 तक देखना है, देखो केवल 5 तक मतलब आपके पास इतनी वैल्यू है, ओ जी एल, अब यहां तो आई मिला नहीं इसलिए वैल्यू एरर मिल गया। तो ध्यान रखना जो एंड पोजीशन है उससे एक कम तक देखना है, क्लियर है या नहीं है, बात समझ में आ रही है बच्चे, क्लियर है सभी को, बोलो बच्चे यहां तक बात समझ में आई सभी को, यस सर, गुड। अब आगे देखते हैं, तो अगर आप देखो आगे, तो अब हमने बोला एक टपलेक्स नाम का टपल वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, देखो टपल फंक्शन यूज किया और मैंने लिख दिया इंडेक्स टपल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंपल इंडेक्स टपल आपका एक टपल हो गया। मैंने बोला प्रिंट टपलेक्स, जब मैं टपलेक्स को प्रिंट कराऊंगा तो एक टपल के टर्म में प्रिंट होगा, और टपल क्या होता है, इटरेटिव होता है, तो आई अलग प्रिंट होगा आपका सिंगल कोट्स में, एन अलग सिंगल कोट्स में, डी देन ई देन एक्स, देन देखो स्पेस भी है, स्पेस भी कैरेक्टर है, देखो स्पेस आपका अलग से प्रिंट हो रहा है, देन टी देन यू देन पी देन एल देन ई, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने टपल फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। अब आपने बोला इंडेक्स इक्वल टू टपलेक्स डॉट इंडेक्स पी, टपलेक्स डॉट इंडेक्स पी, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं ये आपका 0th पोजीशन पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, ए हो गया 5, ए हो गया 6, ए हो गया 7, पी मिला आपको 8th पे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका 8 आ जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चे, अब मैंने बोला इंडेक्स इक्वल टू टपलेक्स डॉट इंडेक्स पी और 5, अब देखो 5 दे दिया बच्चे मैंने, पी 5, तो कोई बात नहीं 5 से ही चालू करना है ना, एंड तो हमने बताया नहीं, तो एंड मतलब पूरे लिस्ट तक जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से 8 आ जाएगा, क्योंकि 5 से चालू करना है, 5th के बाद हमें P को सर्च करना है। लेकिन मैंने बोला E3, 11, चलो अब मुझे E को सर्च करना बच्चे, लेकिन 3 से, ध्यान रखना 3 से, तो 3, अब देखो 11 देखोगे ना तो 10 तक है, तो 11 का मतलब पूरे 10 तक चेक होंगे, एक कम तक चेक होगा, मतलब E को आपको सर्च करना, इसका सिंपल मतलब ये हुआ E को सर्च करना, इस लाइन का मतलब समझो बच्चे, E को सर्च करना है कहां से, 3 से, मतलब 3 से, मतलब 3 से स्टार्ट होगा एग्जैक्टली, 11 एंड पोजीशन है, मतलब 10 तक चेक होगा, 10 तक, अब ये देखो तो 3 पे ही मिल गया इसलिए 3 प्रिंट हो गया, क्योंकि स्टार्ट वाले से ही चालू करता है, ये ध्यान रखना बच्चे। लेकिन बेटा मैंने अब अगला बोला 4, 11, अब उसने बोला मुझे 4 से चेक करना है, कोई बात नहीं 11 तक जाना मतलब 10 तक, तो अगर आप देखो तो 4 से जब आप चेक करोगे तो आपको 10th पोजीशन पे मिलेगा आपका E, तो देखो 10th पे आ गया E। अगला लास्ट लाइन में लिखा है इंडेक्स इक्वल टू टपलेक्स डॉट इंडेक्स Y, अब Y को आप अगर आप सर्च करना चाहते हो पूरे के पूरे टपल में, क्योंकि ना तो स्टार्ट दिया हुआ है ना ही एंड पोजीशन है, ठीक है, तो स्टार्ट एंड नहीं है मतलब पूरे टपल में सर्च करना है, तो अगर आप वाई को सर्च करोगे तो देखो वाई अगर आप सर्च करने की कोशिश करोगे तो वाई आपको मिलेगा ही नहीं, अगर वाई नहीं मिलेगा तो बोलेगा दैट पर्टिकुलर वैल्यू नॉट इन टपल, ठीक है, वो वैल्यू आपका टपल में नहीं है, इट मींस वैल्यू एरर, तो बाकी सारे के लिए चल गया, इसके लिए आपका प्रोग्राम एरर दे रहा है कि वैल्यू एरर है, क्योंकि वाई जो है उस पर्टिकुलर टपल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं काउंट मेथड की, ठीक है, दूसरा मेथड होता है काउंट मेथड। अब काउंट मेथड करता क्या है बेटा, काउंट मेथड ये बताएगा कि जो आप एलिमेंट दे रहे हो वो कितने टाइम आपके टपल में है, ठीक है, तो काउंट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट अपीयर्स इन द टपल, कितनी टाइम्स है, कितनी बार उसका ऑकरेंस है उस पर्टिकुलर टपल में, ठीक है। तो अगर आप देखो सिंटेक्स होता है टपल ऑब्जेक्ट, जो भी आप टपल का नाम दोगे, डॉट काउंट और एलिमेंट दे दो आप, ठीक है, तो द काउंट मेथड टेक अ सिंगल आर्गुमेंट, जो भी एलिमेंट है और उसका ऑकरेंस बता देता है।
एलिमेंट क्या, जो भी जिसको भी आपको बताना है कि कितने बार है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या आएगा, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट अपीयर्स इन द टपल, कितनी बार अपीयर हो रहा है उस पर्टिकुलर टपल में, उसको रिटर्न करता है। तो बड़ा ही सिंपल सा है। अगर हम देखें बच्चे तो वॉवल्स में हमने लिखा ए ई आई ओ आई यू, ठीक है। अब मुझे आई को काउंट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने वॉवल्स नाम का वेरिएबल लिया है तो इसी को आप लोगे वॉवल्स, क्योंकि इसी में आपने टपल स्टोर किया है, तो वॉवल्स डॉट काउंट, और काउंट में आपको आई का ऑकरेंस चाहिए। तो बट ऑब्वियस है आई कितनी बार है, देखो एक बार है और दूसरी बार है, दो बार ऑकरेंस चाहिए। तो द काउंट ऑफ आई इज, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो काउंट में आपकी वैल्यूज क्या पड़ी होगी, टू, तो टू आ गया। अब आपने बोला काउंट इक्वल टू वॉवल्स डॉट काउंट पी, अब अगर आप देखो तो पी तो है ही नहीं, पूरे में पी मिल ही नहीं रहा, तो क्या दे देगा, द काउंट ऑफ पी इज जीरो, ठीक है। वैसे ही आप इसको सिंपल स्ट्रिंग्स पे भी अप्लाई कर सकते हो बच्चे, जैसे आपने बोला स्ट्रिंग्स कैट बैट सैट कैट कैट मैट, अब आपने बोला स्ट्रिंग्स डॉट काउंट कैट, अब ध्यान रखना बेटा केस सेंसिटिव होता है पाइथन, तो सी कैपिटल है ए स्मॉल है और टी स्मॉल है, तो ध्यान रखना सी कैपिटल ए स्मॉल टी, तो सी कैपिटल ए स्मॉल टी एक, सी कैपिटल ए स्मॉल टी दो, लेकिन ये वाला कैट जो है स्मॉल से चालू है तो इसको काउंट नहीं करेगा, इसलिए कैट ऑकर्स टू टाइम, ध्यान रखना केस सेंसिटिव है, इसलिए जिसका सी कैपिटल होगा ए स्मॉल होगा टी स्मॉल होगा उन्हीं को काउंट करेगा, और ऐसे केवल दो हैं इसलिए टू आएगा इसका, तीसरा वाला जो कैट है उसका जो सी है वो स्मॉल से चालू है तो उसको काउंट नहीं करेगा।